मई को दिल्ली में वोटिंग होगी, इसके लिए हमने सारे अरेंजमेंट्स किया हुआ है और हर बार हमारा यही कोशिश रहता है कि वह अरेंजमेंट्स पिछले बार से बेहतर हो जाए और इस बार भी पूरी अरेंजमेंट्स हो गया। पोलिंग पर्सनल का ट्रेनिंग हो रहा है, पोलिंग स्टेशंस पोलिंग से पहले तैयार हो जाएंगे और इस बार पोलिंग स्टेशंस पे जो फैसिलिटीज जो है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। शेड एरिया रहेगा पब्लिक के लिए, वेटिंग के लिए, और इस बार हमने एमसीडी जो एनडीएमसी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है उनको बोला है कि शेडेड एरिया में एयर कूलर या मिस्ट फैन होना चाहिए, क्योंकि इस बार प्रेडिक्शन ये है कि भाई हीट वेव थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसके अलावा ठंडी पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होना चाहिए और जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह आएंगे उनके लिए आने जाने का पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज जो अरेंज किया गया है, वॉलंटियर्स रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए, उनको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा अपना वोट करके जा सकते हैं। और इसके अलावा वोटर असिस्टेंस बूथ्स होंगे हर पोलिंग लोकेशन पे, जो वोटर्स को मदद करेंगे कि अगर किसी को अपना पोलिंग स्टेशन या सीरियल नंबर वगैरह को लेके कोई इश्यू आए तो वो मदद करेंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली रहेगा और कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 2019 से लेके अभी तक वोटर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है। 2019 में 1,43,00,000 करीब वोटर्स थे, अभी जो है वो 1,52,00,000 बन गया, करीब 8.5 लाख बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई हमारा जो वेमेन वोटर्स का जो है उनका शेयर बढ़ गया, जो 2019 में जो है 818 होता था अभी वो बढ़ के 851 हो गया 2024 में। सिमिलरली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जो है, जब जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान करीब 63,000 था, वो अभी 2,52,000 क्रॉस हो गया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो गया, विमेन वोटर्स हो गया, इवन ट्रांसजेंडर वोटर्स भी जो है, जो 2019 में 600 करीब थे, अब 1,200 क्रॉस हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो देयर इज अ ह्यूज सी चेंज इन द इलेक्टोरल पैटर्न। आपको